बकलोह कैंट के वाल्मीकि मंदिर में महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में सर्वप्रथम झंडा रस्म अदा की गई, तत्पश्चात विधिवत पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर अपने संबोधन में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि भारतीय साहित्य के महान कवि और रामायण के रचयिता थे। उनके जीवन की अनेक प्रेरणात्मक विशेषताएं हैं, जिनका अनुसरण कर हम आज भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में कठिनाइयों और गलतियों के बावजूद परिवर्तन संभव है तथा किसी भी व्यक्ति में सुधार की संभावना होती है। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि जी ने कठिन साधना और तप से आत्मज्ञान प्राप्त किया, जो हमें सिखाता है कि धैर्य और दृढ़ संकल्प से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है, क्योंकि वाल्मीकि जी ने साहित्य के माध्यम से मानवता, नैतिकता और धर्म का संदेश दिया, जो हमें यह दर्शाता है कि कला और लेखन समाज को जागरूक कर सकते हैं। उनके कार्यों से हमें सत्य और धर्म का पालन करने की प्रेरणा भी मिलती है, जो कि मनुष्य जीवन का मूल सिद्धांत है। तो ये भगवान के रूप में थे और उन सब की कृपा बनती है, जब ईश्वर की कृपा बनती है तो हम सब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक बार फिर से ये कहना चाहूंगा, इस बार पिछली बार तो 52,000 गए थे आपको, और अगर ये गुंबद वगैरह टॉयलेट वगैरह जल्दी से रिपेयर करने हैं तो उसमें 1-1.5 लाख रुपए तो कम से कम आपको चाहिए होगा, या अगर इससे भी ज्यादा चाहिए तो मैं 2 लाख रुपया जो है देने की घोषणा कर रहा हूं। बस बकरों का जो मंदिर है उसके परिसर को भी ठीक करने के लिए भी मैंने वहाँ बात कही है, और उसको भी हम ठीक कराएंगे, क्योंकि वाल्मीकि महाराज यहाँ रहे, वहाँ रहे, सबके मन में रहे और सब के ऊपर आशीर्वाद बने, तो वहाँ उस मंदिर को भी जो है हम अच्छा करवाएंगे, टाइलें वगैरह बिछाएंगे, और जो भी पैसा 1-2 लाख रुपए लगेगा वो हम उनको भी जो है मंदिर के नाम से अर्पित करेंगे।